खास तौर पे विंटर्स में जब सनलाइट बहुत तेज होती है और रिफ्लेक्शन हो रही होती है स्नो के साथ, तो पोलराइज्ड सनग्लासेस बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं इतना खुश हो रही हूँ बिकॉज आज हम लोग करने जा रहे हैं स्कीइंग। सो इतने दिनों बाद मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्कीइंग करने जा ही नहीं पाऊंगी, लेकिन स्नो इस बार इतनी ज़्यादा अच्छी हुई कि मेरे को मौका मिल गया कि मैं दोबारा से स्कीइंग करने जा सकती हूँ। और इस बार लॉन्ग वीकेंड भी था तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो आज संडे, आज हम लोग स्कीइंग करने जाने वाले हैं फाइनली। सो गाइस, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट तो करेंगे, लेकिन अभी मम्मा से पूछते हैं कि वो हमारे लंच के लिए क्या बना रही है। मम्मा, आज लास्ट डे हो वीकेंड, आप क्या बना रहे हो लंच के लिए? कड़ी चावल बना रही हूँ। कड़ी चावल संडे को बनाता है ना ज़्यादातर, तो संडे को बना लेती हूँ। ओके गाइस, देखो कड़ी की प्रिपरेशन चल रही है, अभी छौंकी नहीं है, अभी तो बस पहले पका रही हूँ। ओके ठीक है, तो कड़ी बनेगी आज, चावल बने। ओ ब्रेकफास्ट में देखो मैंने बनाया है, मम्मी ने दिया एप्पल और थोड़े से नट्स दे दिए मॉर्निंग के लिए, हमेशा ले लेते हैं हम लोग खाने के लिए, और मम्मा ने बनाया ओट्स। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। आज हम लोग स्कीइंग करने जाने वाले हैं, तो मम्मा से पूछते हैं कि वहाँ के स्नैक्स के लिए वो क्या बना रही हैं। वो बना तो रही हैं कुछ, लेकिन मेरे को रियली पता नहीं है, तो उनसे पूछते हैं। मम्मा क्या बना रहे हो आज के स्नैक्स के लिए आप? टोस्ट बना रही हूँ। ओ टोस्ट बना रहे हैं, वो मतलब जो बिल्कुल ब्रेड वाला होता है उसके अंदर आप पोटैटो की फिलिंग भरते हो? ओह माय गॉड गाइस, मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब भी मतलब कोई हार्ड वर्क वगैरह करते हैं या फिर स्नैक टाइम होता है, मेरे को वो वाला स्नैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मतलब हम लोग रेयरली बनाते हैं बिकॉज उसमें पूरे पोटैटोस के बॉईल करना पड़ता है सब वगैरह, तो वीकेंड पे ज़्यादातर बना देते हैं जब फ्री होता है। तो मम्मा आज बना रही है, आज हम लोग जब स्कीइंग करने जाएंगे, जब करेंगे, तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्कीइंग करने के लिए। आज देखो मम्मा ने फाइनली हमारे जब वहाँ पर हम जाएंगे स्नैक्स के लिए रेडी कर दिए सैंडविचेस, तो मम्मा रेडी हो गए ना, आप तो हम पैक कर सकते हैं ना? हाँ, पैक ही कर रही हूँ मैं बस। ओके, तो चलो जल्दी से पैक करते हैं। देखो लंच रेडी हो गया और मम्मा ने बनाया राइस कड़ी, तो रेडी हो गई है, जल्दी से लंच करते हैं। गाइस आज है हमारा टाइम इंडियन ग्रोसरी करने जाने का। मीनाक्षी ने ना बहुत लंबी लिस्ट बनाई है, आटा दाल चावल मसाले सब चीज खत्म हो रखी है जो हमें केवल इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ही मिल सकती है, तो वहीं पे जाना है लेने के लिए। एंड गाइस इतनी लंबी लिस्ट होने की वजह से ना सामान इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग मेट्रो से जा करके लेके नहीं आ सकते, तो मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पर उनको मैंने मतलब फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे पास टाइम है क्या चलने का, तो वो बोले कि उनको भी जाना था, तो हम लोग अब साथ में ही जा रहे हैं। वो आ गए हैं नीचे और मैं जा रहा हूँ अभी, और उनके साथ में चलते हैं। गाइस अभी आ गया हूँ मैं नीचे, और देखो ये हमारे भाई अतुल जी जो लेने के लिए आए हैं मुझे, इनके साथ जा रहे हैं हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। चलो फटाफट अंदर बैठते हैं। भाई देख के तो लग रहा है जैसे रात में भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। रात को मैं एयरपोर्ट गया था अपने किसी फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, तो अप्रॉक्सीमेटली 10:30 PM के आसपास। हाँ हाँ हाँ, तो इट वॉज स्नो स्टॉर्म एट दैट टाइम। अच्छा, क्योंकि कल दिन कुछ में भी विजिबिलिटी नहीं थी, दिख नहीं रहा था। ओहो, तूफान की टाइप था पूरा वो। ओ भाई साहब, और हमें मतलब यहाँ से एयरपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली 27-28 मिनट्स की ड्राइव है। हाँ, और मेरे को 1 घंटा लग गया था पहुँचने में। ओ भाई साहब, और 1 घंटा आने में आ सकते हैं इस चीज़ को। और देख रहा हूँ मैं यहाँ पे काफी सारे लोग लगे हुए हैं, जो म्यूनसिपालिटी के लोग हैं वो सड़क को साफ करने में और इधर उधर पाथवे को साफ करने, इसका मतलब रात बहुत तेज थी ये तो। एंड गाइस जो भाई हैं मेरे, ये एक्चुअली इंडिया में ना राजस्थान से हैं, तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पर आए तो मेरे से 1 साल पहले आ गए थे, और जिस तरीके से मतलब हम लोग को यहाँ चैलेंजेस होने थे ना, मुझे कुछ भी नहीं हुए बिकॉज इनको ना काफ़ी सारी नॉलेज थी। और डे फर्स्ट जिस दिन मैं मतलब यहाँ कनाडा में आया था, तब से मतलब ये साथ में है और तब से इतनी हेल्प कर रहे हैं, और देख लो अगर हम आज साथ ही बैठे हैं तो वो एग्जाम्पल है उस चीज़ का कितनी हेल्प करे, मानते नहीं है कभी भी, बट यार ना जो चीज़ है वो है, बिल्कुल फैक्ट है एकदम से। जब मैं था मेरे से सीनियर्स थे यहाँ पे, मेरे को उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, तो ठीक है ये हमारा चलता रहता है, ये गिव एंड टेक है कि जब भी कोई आता है तो हमारे यहाँ पे ऑफिस की ऑलरेडी फैमिलीज हैं, यहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। एंड गाइस कल ना मतलब मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, और मम्मी से बात करते करते ऐसे में बताने लगा कि यहाँ पर जैसे अगर हम लोग साथ में हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो एक दूसरे से अगर बात कर लेते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर हैं। एक बार ऐसे हुआ था, मैं बाहर था ऑफिस से, मतलब काम खत्म करने के बाद मैं बाहर निकल गया, और पता नहीं अनफॉर्चुनेटली मेरे से कैसे क्या हुआ कि फ़ोन में ना एक बटन होता है, वो बटन मेरा ऑफ हो गया।
और उससे बटन के ऑफ होने से जो रिंग होती है वो रिंग पता नहीं चलती और मैं इधर से 3-4 कामों में मेरे 2-2.5 घंटे निकल गए। और घर पे मीनाक्षी को ये तो पता था कि वो 1-1.5 घंटा कई बार YMCA रुक करके आने की वजह से लेट हो जाते हैं, बट उस दिन मेरा 1-1.5 घंटा और ऊपर हो गया, वो परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। अब उसके ना मतलब क्या है कि जैसे अतुल की वाइफ है वो भी मतलब बहुत अच्छी दोस्त हैं मीनाक्षी की, तो उसने उनको फ़ोन किया कि एक बार जो भैया से बात करो और देखो कि वो उनका फ़ोन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बात हो गई, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इनको जैसे ही वो चीज़ पता चली से भी राज के भाई का फोन भी आ गया मुझे। मीनाक्षी ने वहाँ भी फोन कर दिया था। इनको जैसे ही पता चला ना कि भाई उठना नहीं रहा है वो फ़ोन को, तो ये भाई इमीडिएटली एकदम से जो लास्ट लोकेशन मेरी मीनाक्षी ने बताई कि वो वहाँ जाते हैं डेली, ये तुरंत पहुंच गए वहाँ पे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आके ना भाई मेरे को नहीं फील होता है कि मैं कहीं बाहर हूँ। कल जब मम्मी से बात हो रही, मम्मी भी यही कह रही कि राजकुमार विदेश जा करके अगर तुम्हें कोई ऐसे बंदे मिलते हैं जो तुम्हारी मतलब केयर करते हैं, है ना, तो भाई ये हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे जो ऐसी चीज़ हो रही है, वरना हमें तो कभी यकीन नहीं था कि बाहर जाके हमारे बच्चों के भी कोई ध्यान रखेगा। तो ये चीज़ है गाइस, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आज कल भी जैसे हम लोग की बात हुई इस चीज़ को लेकर के, तो इमीडिएटली एकदम लोग का बना प्लान कि चलो साथ में चलते हैं भाई, प्रॉब्लम क्यों करनी है आपने जब इतना सामान लेके आना है तो साथ में चलते हैं। मेरे को वैसे कल सुबह ही रमन ने बोला था कि राज भाई को भी पूछ लेना। अच्छा, कि भैया भी साथ में चलेंगे, तो मैंने कहा हाँ, वैसे भी मैं संडे को तो जब ठंड ज्यादा होती है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ। तो मैंने वैसे भी सुबह आपको फोन करना ही था, उससे पहले आपका मैसेज आ गया। गाइस बाहर देखो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, और उसकी वजह से जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए ना, यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हीट भी हो रही है गाड़ी में। और उस जो धूप बाहर से आ रही है, उस धूप की वजह से क्या होता है कि वो धूप है ना सीधी हमारी आँखों पर लगती है, जैसे हम सामने की तरफ चल रहे हैं और सामने से एकदम से सन आ रहा है उसकी वजह से। तो अभी मुझे अतुल भाई ने बोला कि राज भाई इसमें ना चश्मा रखा हुआ है ब्लैक कलर का, वो लगा लो, 0 नंबर का है वो, तुम्हें ना इस जो सामने से एकदम से रोशनी आ रही है बहुत ज़्यादा, वो उसमें अल्ट्रावायलेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा इसको लगा लोगे। और मैं देखा था कि जब भाई बैठे थे शुरू से, तब से इन्होंने ब्लैक चश्मा लगा रखा था, तो इसका यही रीज़न था कि जो मतलब बाहर सामने से एकदम सीधी ये रेज आती हैं। राइट, क्योंकि एक तो पूरा नीचे स्नो गिरी हुई है। हाँ हाँ, स्नो जो है वो एज ए जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो फिर रिफ्लेक्टर का काम करती है। हाँ हाँ, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट तो वो बहुत ज़्यादा आँखों में एकदम तेज रोशनी की तरह गिरती है। ओके, तो वो अपने जैसे हिंदी में बोलते हैं आंखें चुंदिया जाती हैं। हाँ 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 हाँ, तो कुछ वो है कि चुंदियाने वाला सिस्टम है, इसलिए ये लगाने जरूरी है। ओके ओके, और ये रेकमेंडेड भी है यहाँ पे पोलराइज्ड सनग्लासेस। हाँ, ये मैंने मतलब मोस्टली देखा जो यहाँ पे बस ड्राइवर वगैरह हैं इस तरीके से, कोई ट्रक चला के जा रहे हैं वो अक्सर लगा के रखते हैं। राइट, बट कभी इतना ज्यादा उस चीज को वो नहीं किया था कि इससे मतलब आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बट यहाँ के जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो ये रेकमेंड करते हैं कि खास तौर पे विंटर्स में जब सनलाइट बहुत तेज होती है और रिफ्लेक्शन हो रही होती है स्नो के साथ, तो पोलराइज्ड सनग्लासेस बहुत जरूरी है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सन तो अपने आप में इतना ज्यादा हैवी होता है, उसकी तरफ तो वैसे भी नहीं देखा जाता। उसके ऊपर साथ में फिर ये आइस के ऊपर जो स्नो के ऊपर वो रिफ्लेक्शन बनता है वो डबल कर देता है शायद उसकी पावर को। और ग्लासेस भी मतलब वो बिल्कुल जेड ब्लैक होनी चाहिए ग्लासेस में। आजकल जैसे कई लाइट ब्राउन ब्राउन येलो ये चले हैं, ये काम नहीं करते। प्रॉपर ब्लैक जो है ना जेड ब्लैक वही काम करेगा। मतलब इसमें अगर ना ध्यान रखें और कोई अनजान हो आदमी जिसको ये सारी चीजें ना पता हो सकता है तो उसकी तो आंखों में कुछ कमी भी आ जाए। हाँ, मैं भी शायद कुछ हफ्ते पहले मैं FM रेडियो पे सुन रहा था। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे भी कोई आई स्पेशलिस्ट उस पे अपना कोई प्रोग्राम लगाने के लिए आया, तो कुछ वो क्वेश्चन आंसर्स का उनका कुछ चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक अपना पंजाबी लड़का ही था। अच्छा, और वो सरी से अल्बर्टा इधर आ रहा था ट्रक लेके, और इतनी ही ज्यादा तेज धूप थी और आइस का रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा था और सब कुछ था, और उसने ग्लासेस नहीं यूज करी, और वो मतलब 20-25 दिन के अंदर अंदर ही उसकी मतलब आंखों की रोशनी जो बिल्कुल चली गई। ओ भाई, और उसका रीजन यही था कि वो ग्लासेस यूज नहीं कर रहा था। नहीं नहीं भाई, फिर तो बहुत जरूरी है। आई थिंक शायद हमारी इस वीडियो को जो कोई और लोग भी देखेंगे ना जिनको शायद इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और उन्होंने अभी तक यहाँ पर गाड़ी बिना अपने सनग्लासेस के चलाई है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। ये पूरा इंडियन एरिया कह सकते हैं, यहाँ जितने भी बिजनेस हैं ये सब इंडियंस के हैं, इंडियंस के पाकिस्तानी। तो ये यहाँ हम आ गए उसके पास तक जहाँ पर ये सारे हैं फ्रूटिकाना वगैरह। फ्रूटिकाना लेफ्ट साइड पे था। अच्छा, हम तो
दूसरी साइड पे ओके ओके आपसे दिखा देंगे जैसे ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन यहां पे साउथ इंडियन तीन चार रेस्टोरेंट है सब वो है हां वो दिख रहा है सीरियस साउथ इंडियन है ओ वाओ एक वो उधर पकवान इंडियन क्यूजीन है मतलब सबसे ज्यादा इस एरिया में है तो हम लोग मतलब नजदीक आ गए हैं उसके अपने इंडियन ग्रोसरी स्टोर के हाँ ऑल इंडिया तो अभी थोड़ा सा आगे है अच्छा हाँ सो गाइस पहुंच गए हैं हम लोग ऑल इंडिया सुपर मार्केट और भाई अपना चलते हैं फटाफट अंदर से जो जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हैं वो लेकर के अपनी शॉपिंग कंप्लीट करते हैं हम लोग सो गाइस ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई है कंप्लीट सारा सामान रख लिया हम लोगों ने अपने गाड़ी और अब चल दिए घर की तरफ काफ़ी सारा सामान था तो बड़ी मुश्किल लगी बट भाई ने हेल्प की पूरी और हमने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया सारा सामान गाड़ी देखो यहाँ पीछे कैसे भरी हुई है सामान से बिल्कुल एकदम ये देखो गाइस इतना सारा सामान है कई सारे बैग हो गए मुझे तो एक बार कोई लग रहा था कि जब मैं अकेला होता तो यार इतना सारा सामान तो वहाँ पे ना जो उसमें कराते हैं वहाँ पे अपना पेमेंट कराते हैं तो वहाँ पर भी कैसे रखें और रख करके फिर वापस वहाँ से कैसे उठाएं जल्दी जल्दी तो थोड़ी सी मुश्किल होती है उसमें तो आज वैसे दोनों लोग साथ में थे तो फटाफट हो गया एंड गाइस जैसे हम लोग तो अभी हाईवे पे हैं यहाँ पर तो ऐसे में ना जैसे रात भी स्नोफॉल हुई तो बहुत मुश्किल होता है वैसे गाड़ी ड्राइव करना पर आप बीच में देख रहे होंगे देखो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है काला काला सा हो रहा है जैसे ये मिट्टी सी पड़ी हुई है और जबकि साइड में बिल्कुल एकदम से वाइट स्नो है तो ये जो बीच में काला काला हो रहा है ना यही हेल्प करता है एक्चुअली इतनी ज़्यादा स्नो होने के बाद भी गाड़ी चलाने में अभी मेरे अतुल भाई से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि रात में जैसे यहाँ स्नोफॉल हुई तो उसी के बाद में यहाँ गवर्नमेंट के लोग आते हैं अपनी गाड़ी लेकर के वो सैंड वगैरह डाल के जाते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप का ऐसा होता है जो स्नो के साथ मिक्स हो जाता है और अच्छी खासी फ्रिक्शन बनाता है तभी इतना पॉसिबल हो पाता है अदरवाइज बहुत मुश्किल था यहाँ गाड़ी चलाना स्नोफॉल के बाद गाइस देखो हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे डाउनटाउन के पास में और जैसे यहाँ ऊपर से आते हैं ना साउथ साइड से और बिल्कुल यहाँ एंटर करते हैं तो ये वाली लोकेशन तो बहुत प्यारी लगती है एकदम ये देखो आपको भी लग रहा होगा कितना शानदार व्यू आ रहा है यहाँ पे ये देखो पूरा एक डाउनटाउन यहाँ एकदम से एक ग्लांस में दिखता है सारा का सारा नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पर लाइटिंग हो रखी होती है ना पूरी एकदम से पूरा अलग से आता है इसका जो निखार एकदम और ये आर्क ब्रिज है यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है ये भी अच्छा फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ से निकलते हैं जनरली तो बस में रहते हैं पीछे तो वहाँ दिखता नहीं है ऐसे बट ये फ्रंट सीट पे बैठ के तो आज फर्स्ट टाइम है थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू सो मच बाय बाय चलो टेक केयर मिलते फिर जल्दी गाइस अभी ग्रोसरी शॉपिंग करके हम तो आ गए हैं घर और मेरे दोस्त थे वो यार मतलब इतनी हेल्प की है आज तो उन्होंने अभी लास्ट में ना देखो सारा सामान इतना ज़्यादा था उसको गाड़ी में से निकलवा के बिल्कुल घर के गेट तक भी छुड़वा के गए हैं यार मतलब मैं तो बहुत लक्की हूँ गाइज मतलब कोई हमारी इतनी केयर करता है यहाँ पे मैं तो भगवान से यही प्रे करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे हमेशा सेहतमंद रहे एंड गाइज फटाफट करते हैं लंच और फिर चलते हैं विन्नी के साथ में स्कीइंग करने के लिए